हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इम्तिहान का डर, परीक्षा का डर, एग्जाम फोबिया, एग्जाम फियर या इंटरव्यू का फियर। होता क्या है कि विद्यार्थी पूरे साल भर पढ़ाई करते और साल भर पढ़ाई करने के बाद में उसको वो विषय का इम्तिहान 3 घंटे में देना पड़ता है, या जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, या यूपीएससी की एग्जाम है, एमपीएससी की एग्जाम है, जो भी कोई एग्जाम है, साल, 2 साल, 3 साल पढ़ाई करने के बाद में 3 घंटे में, या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है या नीट एग्जामिनेशन है, 3 घंटे में उसको उसका ब्यौरा देना पड़ता है कि उसने 2 साल क्या किया। तो होता क्या है कि अपने को 3 घंटे में होगा क्या, 3 घंटे अपने कैसे जाएंगे, मैं पास हूंगा नहीं हूंगा, मुझे अच्छे मार्क मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये कंटिन्यूअसली थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं और वो बच्चे को डर लगने लगता है कि अभी होगा क्या। एक्चुअली पढ़ाई जब कर रहा है इस समय, और एग्जाम 8 महीने बाद है, 10 महीने बाद है, साल भर बाद में है, तो अभी तो कुछ एग्जाम नहीं हो रही है, अभी तो कोई कारण नहीं है, मगर अभी उसको डर लगता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं इनऑथेंटिक फियर या काल्पनिक डर, काल्पनिक भय। क्यों? क्योंकि एग्जाम 10 महीने बाद में है मगर डर आज लग रहा है। डर सच है क्या? डर बिल्कुल सच है, मगर आज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो भी करना क्या है? करना यह है कि भाई वो जो कंटिन्यूअसली थॉट्स आते रहते हैं, वो थॉट्स है, वो कल्पना है, वो एक्चुअली में अभी हो नहीं रहा है, वो तो कभी होगा या होने वाला है आगे चल के भविष्य में, उसके विचार अभी आ रहे हैं और मुझे डर लग रहा है, ऐसा कॉन्वर्जेशन अपने आप से करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, सम्मोहन जो है, सेल्फ हिप्नोसिस, उसके माध्यम से ये डर निकल जाता है। सेल्फ हिप्नोसिस यदि वो बच्चा करता है रोज रोज, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, यदि सेल्फ हिप्नोसिस करता है तो वो डर निकल जाएगा पूरा। सेल्फ हिप्नोसिस में करना क्या है? स्व सम्मोहन जो है, या सजेस्टिबिलिटी जो है करते हैं, या सेल्फ सजेशन देते, उसमें करना क्या है? उसमें यह करना है कि उसने 10 मिनट तक कुर्सी के ऊपर बैठना है, या इजी चेयर के ऊपर बैठना है, आराम कुर्सी के ऊपर बैठना है, या लेटना है, और फिर कल्पना करनी है कि मैं अभी एग्जाम को जा रहा हूं, एग्जाम को निकल रहा हूं, एग्जाम हॉल में पहुंच गया हूं, एग्जाम हॉल में जाने के बाद में वहां आंसर पेपर आया हुआ है हाथ में, फिर मैंने आंसर सब मतलब सॉरी क्वेश्चन पेपर हाथ में आया हुआ है, आंसर पत्रिका जो है वो भी मेरे हाथ में आई हुई है, अब मेरे को टिक मार्क करना है जो जो आंसर से, तो फिर मैं पढ़ाई मतलब वो क्वेश्चन बराबर पढ़ रहा हूं, टिक मार्क कर रहा हूं, आराम से, शांति से, एकदम रिलैक्स मूड में वो कर रहा हूं, पूरा 3 घंटा मैंने एग्जाम दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है, और मैं एग्जाम देके बाहर आ गया और मैं एकदम अच्छी तरह से एग्जाम लिखा हूं। मतलब इस तरह का पूरा विजुअलाइजेशन करना है, और पूरी विजुअलाइजेशन रोज कर रहे, रोज कर रहे, रोज 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। मैं बोलता हूँ 1000 बार ऐसा करो रोज, कम बोले सॉरी 1000 बार पूरा एग्जाम तक करो, 1000 बार यदि आप एग्जाम तक ऐसा विजुअलाइजेशन करो, मतलब 1000 टाइम्स, हो सकता है कि 5 5 मिनट का करो मगर 1000 बार करो, डेफिनेटली जब एग्जाम आएंगे ना उस समय आपको कुछ भी डर लगेगा नहीं, नथिंग, एब्सोल्युटली जीरो, अंडा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप धीरे 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 वो बच्चों की डी कंडीशनिंग करते हैं। तो एक तो वो मेरे पास में आके, मेरे चेंबर में आके, मैं उसको हिप्नोटाइज करता हूं, और हिप्नोटाइज करके उसको सजेशन देता हूं, सूचनाएं देता हूं, कल्पना चित्र खड़ा करता हूं, और उसको बोलता हूं कि अभी 7 दिन तू घर पे जा, और घर पे जाके ये तू सेल्फ हिप्नोसिस कर, प्रैक्टिस कर, फिर हफ्ते भर के बाद में आ जा, फिर मैं एक बार दो बार करूंगा यहां मेरे चेंबर में, फिर घर जाके करो। मतलब ऐसा बार 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 उसको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसा करवाते हैं, ताकि जब एक्चुअली एग्जाम का टाइम आएगा तो ब्रेन को यह मालूम नहीं है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मालूम नहीं है कि घर में जो प्रैक्टिस की थी वो सच थी कि अभी एग्जाम सच है, वो मालूम नहीं ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को या ब्रेन को यह लगता है कि भाई ये तो मैंने पहले फेस किया हुआ है, जब एक्चुअली एग्जाम को जाएंगे ये तो मैंने पहले फेस किया हुआ है, तो उसको कुछ नया दिखेगा नहीं, उसमें कुछ नया लगेगा नहीं, और वो आराम से वो एग्जाम दे सकेगा, क्योंकि उस समय ऑटोमेटिकली बाय हैबिट उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी एग्जाम के समय, क्योंकि ब्रेन को ये मालूम है कह रहे ये तो पहले हुआ है, उस समय अपनी बॉडी रिलैक्स थी, वो अवस्था में जाएगा और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरह प्रैक्टिस करके वो हो सकता है। फिर दूसरा, हम ऐसा बोलते कि भाई एग्जाम के समय कुछ मेडिसिन ले लो, मतलब जो एग्जाम के समय एक्चुअली लोगों को जो डर लगता है, इंटरव्यू के समय जो डर लगता है, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, छाती में धड़कन होती है,
और बेचैनी हो जाती है, रेस्टलेसनेस होता है, तो फिर उसके लिए एक्चुअली मेडिसिन उस समय ले लो। और वो मेडिसिन है एंजियोलाइटिक्स, मतलब डर करने की, चिंता कम करने की, या मतलब घबराहट कम करने की कुछ दवा है। वो दवा लेता है, उसे कोई नींद नहीं आती, एकदम रिलैक्स लगता है और वो एग्जाम अच्छे से दे सकता है। धड़कन कम करने की दवाई है, वो आप दवाई दे सकते हैं। तो थ्योरी एग्जाम हो या प्रैक्टिकल एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, कुछ भी हो जाए, यही टेक्निक जो है, ये जो क्रिकेटर्स है, हॉकी प्लेयर्स है, बैडमिंटन प्लेयर्स, मतलब सब जो स्पोर्ट्समैन है, सभी तरह, मतलब सभी लोगों को ये काम में आता है कि एक्चुअली जब आप खेलेंगे, एक्चुअली जब आप एग्जाम दे रहे, तो उस समय आप रिलैक्स बैठे हो और रिलैक्स बैठ के आप वो काम कर रहे हो, ऐसी कल्पना करना। तो एक्चुअली जब समय आ जाएगा तब बॉडी नेचुरली रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरह एग्जाम का डर, एग्जाम का फोबिया, इम्तिहान का, इंटरव्यू का फोबिया, ये आराम से निकल जाता है शांति से, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वो बच्चा कर सकता है। और बढ़िया परफॉर्मेंस दिया तो रिजल्ट तो नेचुरली अच्छा आएगा ही। ये आपको वीडियो, इस तरह की वीडियो आपको और देखने मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक थैंक यू वेरी मच।